हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 बेस्ट होराइजन इमुलेटर गेम्स एंड्रॉइड हाई ग्राफिक्स। इसमें से कुछ गेम आपको ओपन वर्ल्ड मिलेंगे, इसमें से एक गेम आपको सर्वाइवल मिलता है, एक गेम शूटिंग टाइप है और एक गेम आरपीजी टाइप होने वाला है और एक हॉरर जॉम्बी टाइप आपको गेम मिलने वाला है। किसी गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। होराइजन इम्युलेटर मोबक्स इम्युलेटर से काफी अच्छा है और मोबक्स इम्युलेटर में जो गेम लैग करते हैं वो होराइजन इम्युलेटर में स्मूथली वर्क कर जाते हैं। तो होराइजन इम्युलेटर आपको अच्छा लगता है या नहीं मोबक्स इम्युलेटर से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चले हम टॉपिक पे बढ़ते और देखते हैं कि कौन से यह टॉप 5 बेस्ट होराइजन इम्युलेटर गेम है। नंबर 5 पे जो गेम है वो है स्लीपिंग डॉग्स, साइज इसकी 15 GB है। स्लीपिंग डॉग्स आपको ओपन वर्ल्ड गेम मिलता है, इसमें प्योर आपको फाइटिंग मिलेगा, मार्शल आर्ट मिलता है, ये चाइनीज टाइप आपको गेम मिलता है, चाइना की गलियां ये सारा सब कुछ इस गेम के अंदर मिलता है। तो ये गेम आपको पूरा फील देगा चाइना गेम का, जैपनीज गेम का जो शहर होते हैं वो कैसे होते हैं उसका पूरा फील आपको ये गेम देता है। गेम की लैंग्वेज भी इसी तरह से बनाई है, आप इंग्लिश लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। और इसमें आपको सूट मिलता है, ड्रंकन मास्टर का सूट मिलता है, फिर ब्रूसली का सूट मिलता है, फिर आईपी मैन का सूट मिलता है। जो आप सूट पहनते हो, जो आप उसके कपड़े पहनते हो, उसका थोड़ी एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, ये गेम की खासियत है। ड्रंकन मास्टर का यदि आपने कपड़े पहने तो उसकी एबिलिटी आ जाएगी, ब्रूसली का पहना तो ब्रूसली जैसे आप फाइट करोगे, या आईपी मैन विंग चंग का पहना आईपी मैन विंग चंग की तरह फाइट करोगे। इस हिसाब से ये गेम बनाया, गेम की स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी है, तो गेम को आप जरूर ट्राई कीजिए। और स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 8 Gen 3 प्रोसेसर है, 865 855 16 GB 8 GB रैम में ये गेम वर्क करेगा, प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। नंबर 4 पे जो गेम है वो है रिसेंट एंड एवल 2 रिमेक, साइज इसकी 26 GB है। ओरिजिनल वाला नहीं, रिमेक वाला। ये प्योर आपको सर्वाइवल जॉम्बी टाइप गेम मिलता है, इसमें आपको सर्वाइव करके जिंदा रखना है जॉम्बीज है। यहाँ पे खाना भी ढूंढना है आपको, पानी भी ढूंढना है आपको, गन भी ढूंढनी है। यहाँ पे फैक्ट्री होती है उसके अंदर आपको जाना है और कहीं से भी आपके सामने जॉम्बी अटैक कर सकता है। जॉम्बी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका अटैक बहुत खतरनाक होता है, इससे आपकी जान भी चली जा सकती है, तो आपको बचना है। तो ये हॉरर सर्वाइवल गेम है जॉम्बी, तो इसलिए आपको ये गेम जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। गेम थोड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया भी आपको मिलता है, आप इसमें फ्री रोमिंग भी कर सकते हो। ग्राफिक्स बहुत तगड़े मिलते हैं, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 8 Gen 3 प्रोसेसर में। 8 GB रैम में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, 16 GB रैम 24 GB रैम में थोड़ा अच्छी तरह से वर्क करेगा। होराइजन इम्युलेटर अच्छा है, ट्राई आउट जरूर कीजिए। नंबर 3 पे जो गेम है वो है ग्रीन हेल, साइज इसकी 8 GB है। ग्रीन हेल आपको ट्रू सर्वाइवल गेम मिलता है, इसमें हॉरर ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा हॉरर टाइप भी कह सकते हो। यदि आपने इस गेम के अंदर ह्यूमन मीट खाया, हाँ ह्यूमन मीट खाने के बाद आपकी सेनेटी है वो नीचे गिर जाती है और आपके अंदर आवाज आती है अलग अलग, और जो म्यूटेंट है वो आपके ऊपर अटैक करते हैं यदि म्यूटेंट का आपने मीट खाया तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। आपको लकड़ियां क्राफ्ट करनी है, आपको कैंपेन बनाना है, खुद को जिंदा रखना है, ये सारा सब कुछ इस गेम के अंदर मिलता है। एनिमल को काट के खाना है, यहाँ पे आप फल भी खा सकते हो, केले भी खा सकते हो, ये खासियत है गेम की कि इसमें आप केले भी खा सकते हो, मतलब थोड़ा शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, दोनों तरीके से ये गेम बनाया है। इसमें आपको सोलर पैनल भी मिलता है जिससे आपको लाइट की व्यवस्था हो जाएगी स्टार्टिंग में, बाद में आप यदि गिर जाओगे, इसमें कहानी जैसे जैसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ जाती है वैसे वैसे आपको सर्वाइव करके खुद को जिंदा रखना है। आप बीबी के साथ आते हो और इस सर्वाइवल जंगल में आपको एक खोज करनी है एक प्रकार की, वो गेम खेलने के बाद ही आपको पता चलेगा वो क्या है, सब कुछ आपको गेम खेलने के बाद ही सब कुछ आपको रिवील हो जाएगा। तो गेम को आप जरूर ट्राई आउट कीजिए, हार्ड सर्वाइवल गेम है ये, इजी नहीं है, फर्स्ट टाइम आपको बहुत हार्ड लगेगा, बाद में धीरे धीरे ये गेम आपको इजी होता जाएगा, बस ध्यान रखना है सभी चीजों का। नंबर 2 पे जो गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, साइज इसकी 14 GB है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर गेम के ग्राफिक्स बहुत तगड़े लेवल के मिलते हैं, ओपन वर्ल्ड गेम है, आपको पूरा ट्रू कॉल ऑफ ड्यूटी का ये एक्सपीरियंस देता है। आपको यहाँ पे गन बहुत सारी मिलती है, एनिमी से फाइट करनी है, पॉइंट को अर्न करना है, आपको पूरा आर्मी का फील देता है ये गेम, इसलिए आपको ये गेम ट्राई आउट करना चाहिए। रही बात स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 8 Gen 3 प्रोसेसर में, गेम आराम के साथ वर्क करेगा, होराइजन इम्युलेटर में गेम अच्छे से वर्क करता है ये, तो आपको ये गेम जरूर खेलना चाहिए।
गेम में फिर भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गेम को आप जरूर ट्राई आउट कीजिए। और लास्ट गेम नंबर 1 पे एल्डन रिंग, साइज इसकी 16 GB है। एल्डन रिंग आपको प्योर आरपीजी गेम मिलता है। इसमें आपको बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट करनी है। इसमें आपके पास स्वॉर्ड होती है, आपके पास ढाल होती है, उससे आपको एनिमी से डिफेंड करना है, उसके ऊपर अटैक करना है। बड़े बड़े इसमें ड्रैगन भी मिलते हैं, ड्रैगन से भी आपकी फाइट होगी। तो ये कहानी इसके अंदर की बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशन भी मिलते हैं, कहानी भी बहुत अच्छी आपको मिलती है। तो आपको ये गेम जरूर ट्राई आउट करना चाहिए। रहे बात स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 8 Gen 3 प्रोसेसर है, 24 GB रैम में आपका 35 या 13 FPS पे चल जाएगा। 16 GB 8 GB रैम में आपको बहुत लो सेटिंग पे ये गेम खेलना पड़ेगा, तभी ये गेम वर्क करेगा। आपको ये प्योर ओपन वर्ल्ड गेम मिलता है। ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम खेलना चाहते हो तो एल्डन रिंग काफ़ी अच्छा है। अभी इंडिया में इतना ये गेम पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाकी कंट्री में काफ़ी पॉपुलर गेम है। और बिस्ट बॉय शुभ ने भी इस गेम को खेला था। बहुत हार्ड गेम है, आपको गुस्सा बहुत आएगा, बॉस से फाइट करते वक्त बार बार आप मरोगे, लेकिन आपको सीख देगा कि फेलियर क्या होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।